हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने व्याकरण बुक से भाषा तथा उसके रूप लेसन किया था। इस वीडियो में मैं आपको भाषा की परिभाषा और उसके रूप जो हैं वो करवाऊंगी। तो आइए देखिए, भाषा की परिभाषा तथा भाषा के रूप। तो परिभाषा क्या है? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना ही भाषा कहलाता है। तो भाषा की डेफिनेशन क्या है? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना ही भाषा कहलाता है। तो भाषा के दो रूप हैं। नंबर वन, मौखिक। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को मौखिक भाषा कहते हैं। और नंबर टू है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? लिखकर जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला काम आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करना है और इसकी जो परिभाषा है ये एग्जाम्स में आएगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे।